दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे SBI वर्सेज HDFC FD के बारे में। 5 साल के लिए 5 लाख की FD पर कहां होगा ज्यादा फायदा, तो आइए जानते हैं। दोस्तों भारत में आज भी लोग टर्म डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना सही समझते हैं, क्योंकि इन पर बाजार जोखिमों का कोई असर नहीं पड़ता। साथ ही एक निश्चित दर से निवेश राशि के ऊपर निवेशकों को ब्याज मिलता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं FD की, कि 5 साल के लिए SBI में FD कराना या HDFC बैंक में 5 साल के लिए FD कराने में दोनों में से किस में फायदा ज्यादा होगा। दोस्तों पहले जानते हैं SBI FD के बारे में। इस समय SBI द्वारा सामान्य ग्राहकों को 5 साल की FD पर सालाना आधार पर 6.5% ब्याज दिया जा रहा है, जबकि सीनियर सिटीजन को 7.50% का ब्याज 5 साल की FD पर मिल रहा है। FD की ये ब्याज दरें 2 करोड़ रुपए से कम की राशि पर 27 दिसंबर 2023 से लागू हैं। SBI FD कैलकुलेटर के अनुसार यदि सामान्य ग्राहक 5 साल के लिए 5 लाख रुपए फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट करेगा तो उनको मैच्योरिटी पर ब्याज की राशि 1,90,209 रुपए और कुल राशि 6,90,209 रुपए प्राप्त होंगे। वहीं सीनियर सिटीजन द्वारा 5 लाख की FD 5 साल की अवधि के लिए कराई जाएगी तो कुल 7,24,974 रुपए मैच्योरिटी पर मिलेंगे। यहां ब्याज की राशि 2,24,974 रुपए होगी। अब बात करते हैं HDFC बैंक के बारे में। HDFC बैंक अपने रेगुलर कस्टमर को 2024 में 5 लाख की FD पर 5 साल के लिए निवेश करने पर 7.00% ब्याज का ऑफर कर रहा है, जबकि इसी अवधि के लिए 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पर सीनियर सिटीजन को 7.50% ब्याज मिल रहा है। ये ब्याज दरें 9 फरवरी 2024 से 2 करोड़ रुपए से कम की राशि पर लागू होती हैं। HDFC FD कैलकुलेटर के अनुसार अगर रेगुलर कस्टमर द्वारा 5 लाख की FD 5 साल के लिए करवाई जाएगी तो कुल 7,07,389 रुपए, जिसमें ब्याज 2,07,389 रुपए होगा, के साथ मैच्योरिटी पर प्राप्त होंगे। लेकिन अगर सीनियर सिटीजन द्वारा 5 साल के लिए 5 लाख की FD HDFC बैंक में कराई जाए तो मैच्योरिटी के दौरान कुल 7,24,974 रुपए दिए जाएंगे, जहां ब्याज की राशि 2,24,974 रुपए होगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हैं कि SBI और HDFC में दोनों में अगर अंतर देखा जाए तो HDFC बैंक में 5 साल के लिए FD कराने में आपका ज्यादा फायदा है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।